गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। आप सभी लोगों का केमिस्ट्री पाठशाला के इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और मैं हूँ आपका टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका दोस्त मुकेश पुरवा। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग सेशन लेके आए हैं आपके लिए। तो बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को आज हम समझाएंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो इससे पहले हमने बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ एमीन एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमीन के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। तो हाउ एमाइंस कैन बी फॉर्म, एमाइन को कैसे बना सकते हैं, वो सारी मेथड्स आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो बच्चों बहुत ही सिंपल वे में मैंने प्रॉपर्टीज सॉरी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन्स को रिप्रेजेंट किया है। तो एमीन्स को बनाने की जो मेथड्स है ना बच्चों, उसको मैंने एक बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सिक्स देखो, यहाँ पे मैंने बताया ये सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इन सिक्स वे में हम इन सिक्स वे से हम क्या बना सकते हैं बच्चों, एमाइंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सेकेंड वी विल डिस्कस द एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देन थर्ड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। देन फोर्थ रिडक्शन ऑफ एमाइड। एंड फिफ्थ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एंड सिक्स प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइंस विल बी हाफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेशन रिएक्शंस। तो बच्चों इन छह केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो तीन केमिकल रिएक्शंस है ना बच्चों, तीन केमिकल रिएक्शंस वो तो सिर्फ किसकी है, रिडक्शन की है। मतलब तीन केमिकल रिएक्शंस में तो हमें रिडक्शन ही करवाना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किस किस का करवा सकते हैं बच्चों, टू ऑब्टेन एमाइंस। सबसे पहले हम रिडक्शन करवाएंगे बच्चों नाइट्रो कंपाउंड का। किसका करवाएंगे हम, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाएंगे। सेकेंड हम रिडक्शन किसका करवा सकते हैं बच्चों, नाइट्राइल का रिडक्शन करवा सकते हैं, नाइट्राइल्स का। 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे नाइट्राइल्स क्या होती है। नाइट्राइल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CN। CN इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्राइल्स। CN इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्राइल्स। इसी टाइप से आइसोनाइट्राइल्स भी होते हैं बच्चों। तो आइसोनाइट्राइल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है NC। NC इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर आइसो नाइट्राइल। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। तो ये होते हैं बच्चों नाइट्राइल, ये है आइसोनाइट्राइल। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो कंपाउंड्स कौन से होते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड NO2। ये अगर फंक्शनल ग्रुप किसी में जुड़ा हुआ हो तो वो कौन से कंपाउंड होते हैं बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है उसका अगर हम रिडक्शन करवाएंगे बच्चों, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, एमाइंस मिलती है। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। थर्ड केमिकल इक्वेशन हम पढ़ेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन करेंगे। किसका, एमाइड का। किसका करेंगे बच्चों, एमाइड का रिडक्शन करेंगे, एमाइड का, रिडक्शन ऑफ एमाइड। ये तीन केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो एमाइड क्या होते हैं, 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे CONH2 बॉन्ड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों, ये एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एमाइड। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमाइड। फंक्शनल ग्रुप है किसका बच्चों, ये एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब ये तीनों का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, एमाइड। हमें एमाइड मिलेगी बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, बाय द रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स, बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड। इन तीनों से हमें क्या मिलने वाली है, इन तीनों से हमें क्या मिलने वाली है, एमाइन मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, एमाइन मिलने वाली है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फोर्थ केमिकल इक्वेशन हम पढ़ेंगे बच्चों बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है एडिशन ऑफ अमोनिया टू एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आप लोगों को पता होगा बच्चों, RX को आप क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। RX इज द एल्काइल हैलाइड। इसके ऊपर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे, अमोनिया को एड करवाएंगे। और ये अमोनिया का जो एडिशन रिएक्शन है ना बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसको हम बताएंगे अच्छे से, समझने वाली केमिकल इक्वेशन है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड।
और फिफ्थ एंड सिक्स आर द मोस्ट केमिकल इक्वेशंस। हर बार ये कंपटीशन के अंदर पूछी जाती है बच्चों। नेम रिएक्शन है, एंड द नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार ये केमिकल इक्वेशंस पूछी जाती है बाय फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का वंस अगेन वेलकम टू माई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, केमिस्ट्री पाठशाला। केमिस्ट्री पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है, और मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश पूर्वा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर करके बताइए कि जो आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ में आई है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी हमें लिख के बताइए ताकि हम जान सके और आपके डाउट को क्लियर कर पाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, नाइट्रो कंपाउंड, इसका मतलब इसके अंदर क्या मौजूद होनी चाहिए, इसमें मौजूद होनी चाहिए नाइट्रोजन। और अभी हमने बताया कि जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं बच्चों, जो नाइट्रो कंपाउंड है इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, NO2। NO2 इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट क्लियर है आप वो लोगों को बच्चों, पॉइंट क्लियर है आपको। नाइट्रो कंपाउंड का मतलब होता है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप में क्या हो बच्चों, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसको हम बोलेंगे नाइट्रो कंपाउंड। अब इसका हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। एंड यू नो वेरी वेल, जब भी हम रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। हमें रिडक्शन करवाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, जो इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है ना बच्चों, वो चार हैं, इस प्रिपरेशन मेथड के अंदर काम आएंगे। कौन कौन से हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, आर SN विद HCl, टिन और HCl दोनों का कॉम्बिनेशन। देन सेकेंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दिस केमिकल इक्वेशंस, Fe एंड HCl। थर्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, जनरली ये काम आता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तीनों मेटल कोई भी ले सकते हैं हम, इन द मीडियम ऑफ एथेनॉल। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, यू नो वेरी वेल, 11th क्लास से आप लोग इनको जानते होंगे, ये जो है ना ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को आप लोग फेमिलियर होंगे, इसको जानते होंगे अच्छे से। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वेरी फेमस रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे फेमस रिड्यूसिंग एजेंट यही है हमारे पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको मत बोलना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करने में काम आता है, ये हाइड्रोजन सप्लायर है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन की सप्लाई करते हैं वो रिड्यूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके अंदर बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कैसे कर पाते हैं, तो रिडक्शन करने के लिए जो सेकंड केमिकल, जो सेकंड ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना बच्चों, Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसको हम यूज करेंगे। तो जब हम इसको यूज करते हैं Fe एंड HCl को, तो जो स्क्रेप आयरन होता है, मतलब स्क्रेप आयरन का यूज देते हैं। स्क्रेप आयरन का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस, पीसेस ऑफ द आयरन, एंड दैट आयरन इज रिएक्ट विद HCl। सबसे पहले क्या किया जाता है, आयरन को HCl से रिएक्ट करवाया जाता है। तो जब आयरन को HCl से रिएक्ट करवाते हैं ना बच्चों, तो एक कंपाउंड बनता है हमारे पास में, वो है FeCl2, फेरस क्लोराइड बनता है हमारे पास में। अब ये जो फेरस क्लोराइड है ना बच्चों, ये इसका क्या हो जाता है, आगे हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इट रिएक्ट फेरस क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, तो वाटर से रिएक्ट करता है और साथ में वापस क्या बना लेता है, फिर HCl बना लेता है। अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो वापस क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। इसलिए इस रिएक्शंस के अंदर सिर्फ इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आयरन के साथ में HCl चाहिए। इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आयरन के साथ में हमें क्या चाहिए, HCl चाहिए। एक बार हम HCl जब इस रिएक्शंस के अंदर मिक्स कर देते हैं, उसके बाद में ये रिएक्शंस ऑटोमेटिक प्रोसीड होती रहती है। ऑटोमेटिक प्रोसीड कैसे होगी, सबसे पहले जो आयरन है ना, ये स्क्रेप आयरन, ये क्या करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा, और HCl से रिएक्ट करके क्या बना लेगा बच्चों, FeCl2 बना लेगा। अब ये जो FeCl2 है ये वाटर से रिएक्ट करेगा और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब ये जो HCl बना है ना, वापस ये स्क्रेप आयरन से ये Fe से रिएक्ट करेगा और
ये रिएक्शंस वापस प्रोसीड होती रहती है, ये सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसीड मेथड है। तो ये अच्छा मेथड होता है नाइट्रो कंपाउंड को एमाइन के अंदर कन्वर्ट करने का। तो बहुत सिंपल, देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, नाइट्रो एथेन CH3 CH2 NO2, नाइट्रो एथेन है, दो कार्बन है तो नाइट एथेन हो गई, और नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो एथेन हो गया, इसका नाम IUPAC नेम। इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंट में होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंट में होती है। तो यहाँ पे हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया है वो लिया है SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये जो नाइट्रो एथेन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई बच्चों, एथेन एमाइन के अंदर कन्वर्ट हो गई, CH3 CH2 NH2 प्लस H2O, ये वाटर बाहर निकलता है। इसी टाइप से अगर हमें एरोमेटिक एमाइन चाहिए, एरोमेटिक एमाइन के अंदर हमारे एक एक ही सिलेबस में वो है एनिलीन। तो एनिलीन कैसे बनाएंगे बच्चों, एनिलीन बनाने का मेथड है नाइट्रो बेंजीन का हम क्या करवा दें, रिडक्शन करवा दें। नाइट्रो बेंजीन का अगर हम रिडक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द रिड्यूसिंग एजेंट्स आर SNNCl, मे बी Fe एंड HCl, एंड मे बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इनमें से कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज ले सकते हैं, या हाइड्रोजन निकल पैलेडियम प्लेटिनम, अगर ये हम लेंगे तो जो मीडियम लेंगे सोलवेंट लेंगे वो क्या लेंगे बच्चों, एथेनॉल लेंगे। तो इसकी प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल ये है बच्चों, देखो रिडक्शन में क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ बहुत ही सिंपल वे में। रिडक्शन जो है ना बच्चों एक्चुअल में, तो रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन एड हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, या फिर उस मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। तो इनमें देखो इसमें ये ऑक्सीजन तो रिमूव हो रही है, और ऑक्सीजन की जगह क्या जुड़ रही है बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने इस केमिकल इक्वेशन को बता दिया है, आप लोगों को समझ में आया होगा जरूर जरूर। और अगर आप लोगों को समझ में आई है केमिकल रिएक्शंस तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए पूरे लास्ट तक एंड तक, ताकि हम अच्छे से आप लोगों को समझा पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेकंड एंड इम्पोर्टेंट मेथड बाय द अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। नाउ प्रोसीड विद सेकंड केमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सो अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड मींस एडिशन ऑफ अमोनिया टू एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड के ऊपर हमें क्या करना बच्चों, अमोनिया को ऐड करना है। तो ये जो रिएक्शंस है ना बच्चों, ये कौन सी रिएक्शंस है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। वन न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस अनदर न्यूक्लियोफाइल इन दिस केमिकल इक्वेशन। तो ये रिएक्शंस का जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एमाइंस आर प्रोड्यूस व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ अमोनिया एंड एन एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को मतलब आप लोग जानते होंगे बच्चों, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, RX को हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, या एल्काइल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला ऑफ द एल्काइल हैलाइड। इसी टाइप से बेंजाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड क्या होते हैं बच्चों, ARX, ये क्या है एराइल हैलाइड, इज हीटेड इन द इन ए सील्ड ट्यूब एट 373 केल्विन, मतलब इसको बॉईल बॉईल करना है। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियोफाइल अमोनिया और द एमाइन। या तो अमोनिया रिएक्ट कर सकती है एल्काइल हैलाइड के ऊपर, या फिर एमाइन यूज ऐड कर सकती है, या अमोनिया ऐड होगी या फिर क्या होगी एमाइन खुद ऐड होगी। किससे रिएक्ट करेगी बच्चों, एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगी एंड डिस्प्लेस द हैलोजन एटम्स। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस, इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ अमोनिया। और यहाँ पे एडिशन ऑफ अमोनिया कैसे हो रहा है बच्चों, जो CX बॉन्ड है ना, मतलब एल्काइल हैलाइड के अंदर जो CX बॉन्ड होता है, ये CX बॉन्ड है एल्काइल हैलाइड के अंदर, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इसकी जगह क्या जुड़ जाता है बच्चों, अमोनिया
अंदर NH2 जो ग्रुप है ना, NH2 ग्रुप इससे एड हो जाता है। तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एमोनोलाइसिस रिएक्शंस बोलते हैं। तो अब ये रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती है ये भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये रिएक्टिविटी का सीक्वेंस दे रखा है बच्चों, RX का RI का मतलब है एल्काइल हैलाइड आर द मोस्ट रिएक्टिव फॉर एमोनोलाइसिस प्रोसेस, देन एल्काइल ब्रोमाइड एंड लीस्ट आर एल्काइल क्लोराइड। और अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के अंदर बात करते हैं तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एमोनोलाइसिस, देन सेकेंडरी एंड देयर आफ्टर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो आई थिंक द केमिकल आई थिंक द पॉइंट्स आर क्लियर ऑफ अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी। तो केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इसमें बच्चों क्या हो रही है बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना है, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें मैं एक इसको ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों, एक मिनट। हाँ तो हमें ये है अमोनिया NH3। अब ये जो अमोनिया है ना बच्चों, अमोनिया ये किससे रिएक्ट करता है, अमोनिया रिएक्ट करता है, अमोनिया रिएक्ट करता है बच्चों एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड को RX लिखते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एल्काइल हैलाइड के अंदर हमें पता है जो हैलाइड ग्रुप होता है ना बच्चों, ये पार्शियली नेगेटिव होता है और एल्काइल ग्रुप है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो ये जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इसकी तरफ पुल हो जाएंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसमें रहेगा। इसी टाइप से जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। इसको डोनेट करने का यहाँ पे क्या मतलब है, इसको डोनेट करने का यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो है ना बच्चों, ये अमोनिया ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जो है ना बच्चों, ये एल्काइल ग्रुप का ये R एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की, इसके पास में डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इसको देगा तो बॉन्ड बन जाएगा। किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, चलिए देखते हैं। तो बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह का, आर NH3X, या नेगेटिव या पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चों, इसमें से अमोनिया बाहर निकलेगी। अब मैं अगर इसमें से, अब ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये दोनों डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन होगी, दोनों डायरेक्शन में चलेगी ये रिएक्शन। अब ये दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, आर NH2 प्लस NH4X नेगेटिव, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव, यहाँ मुझे ऐड करना है अमोनिया। फिर आगे और अमोनिया इसके ऊपर ऐड करेगी बच्चों, फिर इसके ऊपर और अमोनिया ऐड करेगी तो मेरे पास में जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये प्रोडक्ट ये बनेगा RNH2। कैसे बना, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, दो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये दो हाइड्रोजन ये हो गए, 4 हाइड्रोजन ये हो गए, तो टोटल हाइड्रोजन कितने बच्चों, 6 हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, रिएक्शन समझ में आ गई है तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड केमिकल इक्वेशन। अब सेकेंड केमिकल इक्वेशन के अंदर अभी हमने क्या बताया बच्चों, ये अमोनिया रिएक्ट कर रही है किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर। तो जरूरी नहीं है कि हर बार अमोनिया रिएक्ट करे, हर बार अमोनिया रिएक्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब हम सेकेंड रिएक्शन के अंदर ले रहे हैं कि जो एमाइन होती है ना बच्चों, ये भी बेसिक नेचर की होती है। जो एमाइन है ना, ये प्राइमरी एमाइन, अब हम कर रहे हैं प्राइमरी एमाइन रिएक्ट करेगी किसके ऊपर, RX के ऊपर रिएक्ट कर रही है।
आर एक्स के ऊपर। तो आर एक्स क्या है यहाँ पे, एल्काइल हेलाइड है। तो एल्काइल हेलाइड है तो बॉन्ड का ब्रेकेज इस टाइप से होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये जो है ना बच्चों ये अपने लोन पेयर को इस कार्बन को दे देगा। तो हमारे पास में कंपाउंड क्या बनेगा, हमारे पास में कंपाउंड बनेगा ये आर टू। अब देखो ये एन एच टू, ये एन एच टू लिख दिया और ये मैंने लिख दिया एक्स। तो आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज क्लियर, केमिकल इक्वेशन क्लियर होगी बच्चों। अब ये क्या करेगा बच्चों, आगे और रिएक्ट करेगा। अब आगे ये किससे रिएक्ट करने वाला है, ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा। ये जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे अमोनिया NH3। अब जो यह अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो मेरे पास में कंपाउंड बनेगा आर टू एन एच प्लस, जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा मुझे अमोनियम हैलाइड मिलेगा, अमोनियम हैलाइड दिस इज द बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट मुझे हमेशा ही अमोनियम हैलाइड ही मिलेगा। आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज क्लियर, केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये मुझे मिली है प्राइमरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन मिल गई 1 डिग्री एमाइन। ये है सेकेंडरी एमाइन 2 डिग्री एमाइन। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों टर्सरी एमाइन को। तो टर्सरी एमाइन हमें कैसे मिलने वाली है, ये मैंने लिया सेकेंडरी एमाइन आर टू एन एच। अगर ये रिएक्ट करती है बच्चों, ये जो लिया ना ये सेकेंडरी एमाइन, ये वाली सेकेंडरी एमाइन इसके पास में लोन पेयर है, ये रिएक्ट करे अगर एल्काइल हैलाइड के ऊपर आर एक्स के ऊपर, तो बॉन्ड का क्लीवेज इस टाइप से होगा, ये इससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा मेरे पास R3NHX। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये किससे रिएक्ट करेगा अगेन अमोनिया से रिएक्ट करेगा। अमोनिया से रिएक्ट कर रहा मतलब NH3 से रिएक्ट कर रहा है। अब मैं इसको किस टाइप से लिख दूंगा, R3N, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा मुझे, सेम ही मिलेगा NH4X-। आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गई होगी केमिकल इक्वेशन, अमोनोलाइसिस चल रहा है ये। अब ये जो बच्चों आर एक्स आर थ्री एन है ना, आर थ्री एन एक्चुअल में क्या है, टर्सरी एमाइन है ये, टर्सरी एमाइन ये है, टर्सरी एमाइन 3 डिग्री एमाइन। ये जो 3 डिग्री एमाइन है वापस किसके ऊपर रिएक्ट करेगी, आर एक्स के ऊपर रिएक्ट करेगी, एल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्ट करेगी। वापस बॉन्ड का क्लीवेज इसी टाइप से, बॉन्ड का क्लीवेज इसी टाइप से होगा, तो यहाँ पे माइनस ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा ऐसे। तो रिएक्शंस कैसी हो जाएगी, रिएक्शन कुछ इस टाइप से हो रही है। यहाँ मैं लिख दूंगा देखो आर और आर कितने हो गए बच्चों, 4R, और यहाँ पे हो गया NX, मतलब यहाँ पे मिल गया क्वाटरनरी सॉल्ट। ये क्या है बच्चों, क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड। सो आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज वेरी क्लियर, आप लोगों को केमिकल इक्वेशन समझ में आई होगी अच्छे से। जल्दी से आप इस केमिकल इक्वेशंस को नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लो नोटबुक के अंदर, आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन आप लोगों को क्लियर है, यस। नेक्स्ट प्रोसीड विद अनदर केमिकल इक्वेशन, थर्ड केमिकल इक्वेशन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड आइसो नाइट्राइल्स। इन अवर सिलेबस ओनली नाइट्राइल्स आर गिवन, सिर्फ नाइट्राइल्स है बच्चों हमारे सिलेबस में। ये जो आइसो नाइट्राइल वाला जो कंसेप्ट है ना, ये जी का है, जी के सिलेबस में है ये। आइसोनाइट्राइल से हम कैसे एमाइंस को ऑब्टेन करते हैं, दिस द जी पोर्शन, जी और नीट का पोर्शन है हमारे सिलेबस में, सिर्फ नाइट्राइल से है, तो हम दोनों पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कैसे हम करेंगे बच्चों, तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन बी इजिली प्रिपेयर बाय द रिडक्शन ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग नाइट्राइल्स विद हाइड्रोजन एंड रेने निकल और बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बाय सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। तो हमें क्या करना बच्चा, रिडक्शन करवाना किसको, नाइट्राइल्स का। तो यहाँ पे ये जो आर सी एन लिखा है ना, ये आर सी एन, ये क्या है, एल्काइल नाइट्राइल है, दिस इज द एल्काइल नाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल
मतलब हमें क्या करवाना बच्चों, रिडक्शन करवाना। रिडक्शन का मतलब हमें पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट के बिना तो होगी नहीं, तो अब ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा काम आएगा बच्चों? रेने निकल काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन और वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट रेने निकल। और अगर ये हमारे पास में ये अवेलेबल नहीं है ना, रेने निकल और हाइड्रोजन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज में ले सकते हैं। तो एरो के ऊपर हम या तो ये लगा दो या ये लिख दो, तीन लिखे हैं बच्चों, तीनों में से आप कोई भी याद रख सकते हो, इसको हम यूज ले सकते हैं। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हम यूज कर सकते हैं, या अगर हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे? सोडियम एमलगम का। सोडियम NaHg लिखा हुआ है, ये NaHg लिखा हुआ है, NaHg, सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल वी गेट प्राइमरी एमाइन, वी गेट प्राइमरी एमाइन। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। तो हम हाइड्रोजन को ऐड कैसे करवाएंगे? यहाँ पे H ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे H, तो हमारे पास में बन जाएगी एमाइंस। तो नाइट्राइल से हमें क्या मिल जाएगी? एमाइंस मिल जाएगी। इसी टाइप से ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी का। अगर सी की जगह आर की जगह मैं CH3 लिख देता हूँ तो ये क्या है? एसिटो नाइट्राइल है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन रेने निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तीनों में से कोई भी एक लेना है रिड्यूसिंग एजेंट, तीनों मत लेना, तीनों में से कोई भी एक लेना। सोडियम एमलगम या एथेनॉल की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो एथाइल एमीन मिलती है। इसी टाइप से अगर हम एरोमेटिक एमाइन बनाना चाहते हैं, एरोमेटिक एमाइन के अंदर बेंजाइल एमीन है ये, तो हम किससे बनाएंगे? बेंजो नाइट्राइल से। दिस इज द बेंजो नाइट्राइल, इसका हम करवाएंगे रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल और रेने निकल। तो क्या मिलेगी हमें? एरोमेटिक एमीन बनेगी, इसका नाम है बेंजाइल एमीन। अब हम पढ़ लेते हैं आइसोनाइट्राइल से। तो आइसोनाइट्राइल भी बहुत सिंपल है बच्चों। आइसोनाइट्राइल का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला होता है RnC, RnC होता है आइसोनाइट्राइल। इसका हम क्या करवाना है बच्चों? रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन इन तीनों में से कोई भी एक ले लेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमें क्या मिलेगी? सेकेंडरी एमाइन मिलेगी, सेकेंडरी एमाइन मिलती है हमें। यह है इथाइल आइसोसाइनाइड। इसी को हम अगर आर की जगह हम इथाइल ग्रुप जोड़ देते तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? इथाइल मिथाइल एमीन। ये बात इसमें ये ध्यान रखने वाली है कि जो एमाइन का जो दूसरा पोर्शन है ना, वहाँ पे सिर्फ हमें CH3 ही मिलेगा, और कोई नहीं मिलेगा। दूसरा कंपाउंड वाली हमें एल्किन यहाँ पे, सॉरी, दूसरे कंपाउंड वाली एमाइन हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर, पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों? पॉइंट समझ में आया तो जल्दी से मैसेज भेज दीजिए। टाइम बहुत कम है हमारे पास में, टाइम बहुत कम है, जल्दी से मैसेज भेज दो। आई एम प्रेजेंट सर, हियर सर। अभी 42 बच्चे मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इन 42 बच्चों को ही प्रेजेंट लगेगी, बाकी सबको अब्सेंट लगेगी। और जो 42 बच्चे हैं ना, ये 42 बच्चे, ये सब अगर मुझे नोटबुक में आज काम करके बता देंगे तो इनकी प्रेजेंट लग जाएगी। और वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के बाद में, इस वीडियो लेक्चर के बाद में वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वो वीडियो लेक्चर आपको नोटबुक में लिखना है, केमिस्ट्री की नोटबुक में, और उसमें लिखा हुआ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस एंड आइसोमरिज्म ऑफ एमाइन, उसके बारे में पूरा अच्छे से वीडियो लेक्चर बनाया हुआ, उसको जाके देखिए। और वो जो नोट्स है वो नोटबुक में लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यस, सो बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, रिडक्शन ऑफ एमाइड, हाउ कैन ऑब्टेन एल्काइल एमाइन, हाउ कैन वी ऑब्टेन एमाइन, सॉरी नॉट एल्काइल एमाइन, हाउ कैन ऑब्टेन एमाइन्स विद द हेल्प